सलमान खान को दूसरी बार 23 मार्च को दी गई धमकी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम धाकड़ बिश्नोई है, जिसके ऊपर राजस्थान में 6 महीने पहले एक आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है। आरोपी को 27 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने सुनवाई के दौरान कहा कि गलती से मेल चला गया था। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन यानी 3 अप्रैल तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बता दें कि सिंधु मूसेवाला के परिवार को भी धाकड़ राम बिश्नोई ही ने की दी थी। पंजाब में भी उस पर मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस की जांच के बाद पंजाब पुलिस भी धाकड़ की कस्टडी में लगी है। सिने अभिनेता सलमान खान, इनको 18 मार्च को एक धमकी का मेल मिला, इस वजह से एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ बांद्रा पुलिस स्टेशन में। इसका इन्वेस्टिगेशन चालू था तभी 24 तारीख को फिर से उनके जो पीए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि एक और मेल उनको आया है। तो पहले ही ऑफेंस में वो उसका समावेश किया गया और आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू थी। तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो सेकंड मेल आया था उसका पहले से कनेक्शन नहीं है। उस हिसाब से फिर कल 26 तारीख को एक सेकंड ऑफेंस रजिस्टर किया गया ये दूसरे मेल को लेके। और इसी मेल का जो कनेक्शन था वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले से संबंधित एक व्यक्ति है ऐसा मिला। तो हमारी वहाँ पे एक टीम ऑलरेडी थी दूसरे गुनाह के इन्वेस्टिगेशन में, जिसकी लीड एपीआई बजरंग जगताप कर रहे थे, वो वहाँ पे पहुँचे और यहाँ से जो भी टेक्निकल हेल्प उनको मिली उसके हिसाब से उन्होंने एक संशयित व्यक्ति धाकड़ राम रामलाल सियार एज 21 इनको अप्रिहेंड किया। उनके पास पूछताछ की विद द हेल्प ऑफ जोधपुर पुलिस और बाद में यहाँ पे बांद्रा में लाने के बाद, मुंबई में लाने के बाद उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ की, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके ही पास से वो मेल गया है। उसको आज कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसमें 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इस आरोपी पे पहले भी एक 2021 में जोधपुर में ही एक आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल है और कल पता चला कि उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने भी एक धमकी का मेल भेजा, इसलिए एक दूसरा ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ है।